सबसे पहला सुख निरोगी काया, और ये आप खुद ही कहते हो, भारत सरकार, राज्य सरकार, केजरीवाल सरकार खुद ही कहते हो कि इसके साथ हमें जीना है, इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग इस तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां उड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग यहां पर भीड़ इकट्ठा है। देखिए यहां पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं, जिस जो छूट इन्हें दी गई है, उसका किस तरह से बेजा इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि शराब पीने वाले सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे या नहीं, या सिर्फ उन्हें एक एथलीट दिखाई देते हैं। मैं मानता हूं, बहुत हद तक मानता हूं कि जिम में प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है, बहुत मेहनत होगी, लेकिन एथलीट ऐसे होते हैं जो नमक, पानी, शुगर तोल तोल कर सालों तक मेहनत करते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो क्या वो इन चीजों का पालन नहीं कर सकते? सरकार ने भरे लॉकडाउन में शराब के ठेके खोल दिए। आपने देखा हजारों लाखों लोग लाइन में धक्का मुक्की कर रहे हैं, तब नहीं दिखाई दिया। ये क्यों हो रहा है कि एक इंडस्ट्री को आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो? मतलब जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ पे आपने सभी चीजें खोल दी। मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजें अभी भी बंद है, लेकिन COVID-19 के ड्यूरिंग सबसे पहला इलाज, पहली बात तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो भी बताया गया है कि आपको आपकी इंटरनल हेल्थ बचा सकती है। और ये भी कहा गया है बहुत सारे डॉक्टर्स ने कि इंडिया में 80% तक लोग इन्फेक्टेड होंगे, बचाव है उनका स्वास्थ्य, उनकी सेहत, उनकी इम्यूनिटी, और जहां पे वो बढ़ा सकते हैं वो चीजें आपने बंद की हुई है। एक बात कड़वी है, ये भी मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोकल जिम से सरकार को कोई बेनिफिट नहीं होता। इससे पहले इस इश्यू पे बात ना करना मुझे इसलिए सही नहीं लगा क्योंकि मैं बाहर भी जॉब कर रहा है और मेरा छोटा सा जिम भी है, लेकिन अब मेरी बात नहीं है, बात है लाखों करोड़ों लोगों की जो इस इंडस्ट्री को प्यार करते हैं, जिनका रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो सप्लीमेंट कंपनी हो, चाहे वो जिम इक्विपमेंट कंपनी हो, चाहे वो हेल्थ ट्रेनर हो, चाहे वो पर्सनल ट्रेनर हो, चाहे वो जिम में सफाई करते हो, चाहे वो किसी भी तरह से फिटनेस से जुड़े हैं। बहुत बड़ा सर्कल है, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और आप ये कीजिए ना, आप जिम खोल दीजिए जिसे अपनी सेहत से प्यार होगा, जिसे लगता होगा कि उसे बाहर निकलना चाहिए। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, टिक्की खाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, बाहर सड़कों पे दुनिया भर की भीड़ है, सड़कों पे जाम लगा हुआ है, बसेस खड़ी हुई हैं, बस चल रही हैं, रेड़ी चल रही हैं, पटरियां चल रही हैं, लेकिन जिम ही क्यों बंद है? भाई आप कुछ सलाह आप भी दीजिए ना, मीटिंग कीजिए। दिल्ली की इतनी बड़ी एसोसिएशन है, आपको पुटअप की हुई है, आपको सारे क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन वो मानने को तैयार हैं। छोटे जिम हैं, उनकी हेल्प करके कुछ और आप निकालिए, लेकिन इससे आप इन्फेक्टेड नहीं होगे। आपने सलून खोल दिया, मैं कल एक सलून के बाहर से निकला, 9 आदमी बैठे थे। बताइए जब पूरे भारत में लॉकडाउन था, जब आपने शराब के ठेके खोल दिए, एक ठेके पे लाठीचार्ज तक हुआ, कोरोना का डर पीक पे था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, हम बाहर थे, क्या हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए? हमारी फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी? सिर्फ एक बचाव है, आपको अपने आप को स्ट्रोंग करना होगा। तो ऐसे में कुछ और जरिया दिए ना। अभी एक स्टोरी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, एक ट्रेनर का एक्सीडेंट हो गया था अभिमन्यु, उसकी मदद के लिए हम जैसे भाइयों को आगे आना पड़ा, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं था। हमारी एक फैमिली है, ये फिटनेस इंडस्ट्री एक फैमिली है, इसमें बहुत लाखों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जिम अगर आप खोल देंगे, उसमें कुछ क्राइटेरिया रखिए। हाँ मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, लेकिन जिन्हें आना है उन्हें तो आने दीजिए। मेरे जिम में एक आंटी आती थी, जब मैं वर्कआउट करने आता था, तो वो सिर्फ सफाई का काम करती थी, और उन्हें शायद 2200 रुपये मंथली जाते थे। ऐसे वो 2-3 जगह पे और जाती होगी, और वो बहुत परेशान रहती थी, कई बार मुझसे वो कह भी देती थी। अभी लॉकडाउन के बाद वो सफाई करने भी नहीं जा रही है, जिनका सिर्फ एक ही रोजी था। ये तो छोटे छोटे लोग हैं, और जो बड़े लेवल पे भी हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों का सप्लीमेंट इंपोर्ट किया हुआ है, उनकी एक्सपायरी डेट आएगी, खत्म हो जाएगा।
तो सबसे बड़ा सेक्टर आपको, हमको, सबको सिखाया गया है सबसे पहला सुख निरोगी काया, और ये आप खुद ही कहते हो, भारत सरकार, राज्य सरकार, केजरीवाल सरकार खुद ही कहते हो कि इसके साथ हमें जीना है, इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। तो ऐसे में जिमी क्यों बंद किए हुए हैं जब सारी चीज आपने खोल दी है, बसेस खोल दी है, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, फिटनेस के जो प्यार करते हैं उनके लिए तो यही मंदिर है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नहीं आएंगे जिम में जो, लेकिन वो और भी तो काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी तो बाहर जा रही है, हमारी फैमिली भी तो बाहर जा रही है काम करने के लिए, ठीक है। जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको बाहर ना निकलने दीजिए, जैसे बच्चे हैं, स्कूल है, 8th class तक 10th class तक, उन्हें घर पे रहने दीजिए। लेकिन जिम में तो वही लोग आएंगे जिन्हें फिटनेस से प्यार है, जो अपना रख रखाव रखना चाहते हैं, जो अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं। बार बार सैनिटाइज करेंगे, जितनी बार लोग आएंगे बार बार सैनिटाइज करेंगे, एक पीरियड रखेंगे, कॉस्टली पड़ेगा लेकिन कुछ तो इनकम जनरेट होगी। जिनकी फिटनेस गोल है, जिनको फिटनेस से प्यार है, उन्हें आने का मौका तो मिलेगा जिम में, ठीक है। लॉकडाउन में शुरू में साथ दिया 21 दिन, फिर 21 दिन, जैसे करके 2-3 महीने निकाल दिए, लेकिन अभी कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। इतनी सारी एसोसिएशंस आपको पुश कर रही हैं, आपके पास आ रही हैं, इतने सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, धरना दिया जा रहा है, क्यों जब सारी चीजें और खुल गई हैं, ये भी खुल दी। आपको अगर किसी को बुरा लग रहा है ना तो सॉरी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो फैक्ट है कि 21 दिन, 1 महीना 2 महीना झेल लेते हैं। अभी पड़ोस में एक, मेरा बचपन से मैं उस लड़के को जानता हूँ, बहुत मेहनत करके उसने 20-22 लाख रुपए लोन लेके जिम खोला लॉकडाउन से 2 महीने पहले। कुछ इनकम भी जनरेट शुरू नहीं हुई होगी, कुछ इनकम आनी भी शुरू नहीं हुई होगी, कैसे तैसे करके घर से लेके लोन लेके उसने जिम खोला, 2 महीने बाद लॉकडाउन लग गया और अभी तक लॉकडाउन है, रेंट दे रहा है, ऊपर से जो लोन लिया था वो दे रहा है। अब उसको वो 20 लाख रुपए पे करने के लिए बैंक को, या 10 भी लिया उसने 10 लाख का, आप सोचिए 10 लाख का लोन कितना होगा, ऊपर से इधर रेंट और जो इन्वेस्टमेंट उसने कर दिया उधर से कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ खर्चे पे खर्चा। तो ऐसे में मेंटली परेशान होना शुरू हो गए हैं लोग। तो कुछ तो जरिया होगा, कुछ तो लोग आएंगे जो अपना ध्यान रखेंगे, वो अभी भी रख रहे हैं, और जिन्हें नहीं रखना ना, जैसे वो शराब के ठेके पे खड़े हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। क्या शराब पी के कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर सकता है? जब आप शराब पी के गाड़ी चलाना बैन है, खड़े होना बैन है, सोशल गैदरिंग में पीना बैन है, लेकिन ऐसे में वो खुले हुए जिम बंद है। आपको जिम से एक डेथ होती है तो पूरे पूरे इंडिया में हाहाकार मच जाती है कि जिम। अभी जब मौका है कि सबको मिलके चलने का, सबको एक दूसरे का साथ देने का, ऐसे में फिटनेस इंडस्ट्री के ऊपर इतना दबाव क्यों दिया हुआ है? जो बहुत पॉजिटिव इंडस्ट्री है, एक लोगों को लिविंग तरीका सिखा रही है रहने का, अपने आप को स्वस्थ रहने का, सारी चीज हेल्थ से जुड़ी हुई है, अब उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर बाहर की कंपनियों को हराने के लिए इंडिया में इतना प्रोडक्शन किया हुआ? एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? उनको सैलरी भी देनी है, उनके नीचे मान लो फिटलाइन की कंपनी है, फिटलाइन इतना बड़ा एशिया का ब्रांड है, एशिया का नंबर वन ब्रांड है, 25 साल से वो नंबर वन है, काम कर रहा है, उसके नीचे कितने लोग काम करते हैं, कितने घर का रोजगार चल रहा है। अभी सेल नहीं आएगी, जिम बंद होंगे तो कितने लोगों का घर टूटेगा, कहाँ से, वो भी कहाँ से पे करेगी? इतने सारे एथलीट है जिनका यही रोजगार है, वैसे ही बॉडी बिल्डिंग से कुछ नहीं मिलता। अब वो जो ट्रेनिंग दे रहे थे वो बंद हो गई, वो जिम चला रहे थे वो बंद हो गया, वो सप्लीमेंट वगैरह सेल कर रहे थे, शॉप चला रहे थे, वो बंद हो रही है, और बाकी जो सेल हो भी रही थी वो जिम की वजह से, जिम ना खुलने की वजह से बहुत 1-2% है। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मूवमेंट, जितने भी लोग, भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए इसको, ताकि लोगों को नज़र आए, सरकार को नजर आए कि जिम बहुत जरूरी है खुलना। ये फिटनेस इंडस्ट्री रुकी हुई है, इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, इतने जिनका घर इसी चीज से चल रहा है, बाकी मंदिर खुल चुके हैं लोग जा रहे हैं, मस्जिद खुल चुकी है लोग जा रहे हैं, शॉप खुल चुकी है, मॉल खुल चुके हैं, स्टेट के बॉर्डर खुल चुके हैं, जिम भी खोल दीजिए ना, हम रखेंगे ध्यान, अपना भी और आपका भी, हम जाएंगे साफ सुथरे होकर। और जिसे नहीं जाना है, जिसे डर, क्योंकि आप ही ने कहा है कोरोना नहीं जाने वाला, तो इसके साथ जिएंगे ना, डरना क्यों है? जब इतने दिन से बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आगे भी जाएंगे।
और एथलीट दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ता है, ठीक है। 5 महीने तक अगर उसका कोच बोलता है ना कि ये चीज, ये लाइफस्टाइल छोड़ के सिंपल उबला हुआ खाना खाते हैं, तो वो तो पहले ही इतने स्ट्रोंग है, जो फिटनेस फ्रीक है, जो एथलीट है, वो पहले ही इतने स्ट्रोंग है। और स्ट्रोंग होगी इम्यूनिटी अगर आप ऐसे में निकल के अपने आप को फिट रखोगे। आप सीख रहे हैं अब, ये जो लोग अब ये चीजें सीख रहे हैं ना, एथलीट शुरू से वो करता है, पानी पीना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को हाइजीन रखना, तो दिल से निकली हुई, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई नहीं, जो मेरे दिल में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। प्लीज इस इंडस्ट्री को बचाइए, जिम को खोल दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि ये लोगों तक पहुँच सके। और मैं खुद इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार करता हूँ और चाहूँगा कि जिम जल्दी से जल्दी खुल जाए। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो सरकार से तो माफ़ी चाहूँगा, पर जिम खोल दीजिए, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। लास्ट बात बोलता हूँ, जो आप ये सब अब बोल रहे हो, मैं पता नहीं सालों से बोल रहा हूँ, जब तक आप स्वस्थ हैं, आपका परिवार स्वस्थ है, देश अपने आप स्वस्थ हो जाए, तो मिलके स्वस्थ करते हैं ना इसको, मिलके लड़ते हैं कोरोना से। जय हिंद, जय भारत।